हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं जी सर? ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अच्छा इंडिया का सबसे अमीर तरीन कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। अहमद भाई कौन? मुकेश अंबानी। हसन भाई? मुकेश मुकेश अंबानी। लेकिन आजकल सुनने में ये आ रहा है कि अडानी जो है वो क्रॉस कर गया मुकेश अंबानी को। हाँ, शॉकिंग। बिल्कुल शॉकिंग है ना कि मुकेश अंबानी के बारे में हम देखते थे कि काफी वीडियो देखे कि यार रिचेस्ट बंदा है, क्या लाइफस्टाइल है, लेकिन अडानी कहते हैं कि क्रॉस कर गया। लेकिन अभी हम देखेंगे इंडिया के टॉप 10। हमें मुकेश अंबानी, रतन टाटा एंड अडानी, इसके अलावा नहीं पता, इन तीन बंदों के अलावा नहीं पता कि कौन है अमीर तरीन इसके अलावा। लेकिन सात बंदे ऐसे भी होंगे जो कि हमें पता चलेगा कि रिचेस्ट हैं, अमीर तरीन है। चले बाकी हम देखते हैं जी टॉप 10 रिचेस्ट मैन 2024 के लेटेस्ट वीडियो है, और भारत के 10 सबसे अमीर आदमी, और वीडियो है जी टॉप 10 हिंदी यूट्यूब चैनल का, तो क्रेडिट गोज टू देम। तो जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया टॉप 10 की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। दोस्तों अगर कहीं पर अरबपतियों की बात होती है तो अपना भारत देश सबसे आगे होता है, क्योंकि हमारे इस देश में बड़ी संख्या में अरबपति पैदा हुए हैं, उनमें से कहीं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भी शुमार है। भारतीय अरबपतियों ने अपने इस मुकाम से न केवल खुद को मशहूर बनाया है, बल्कि इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बड़े लेवल पर पहुंचाकर देश का नाम भी रोशन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10 हमारी इसी लिस्ट में, नंबर 10 पर है कुशल पाल सिंह। कुशल पाल सिंह भारत की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी DLF लिमिटेड के अध्यक्ष है। कुशल पाल सिंह ने मेरठ कॉलेज से विज्ञान में तथा इंग्लैंड से वैमानिकी की शिक्षा प्राप्त की। कुशल पाल सिंह सन 1961 में सेना की पोस्टिंग छोड़कर DLF कंपनी में शामिल हो गए। ये कंपनी उनके ससुर ने 1946 में शुरू की थी। वर्तमान में कुशल पाल सिंह DLF के मानद अध्यक्ष हैं और ज्यादातर लंदन और दुबई के बीच में रहते हैं। वही बता दे दोस्तों कि DLF कंपनी आज के समय में बिक्री, राजस्व एवं पूंजी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी है। और बात करें कुशल पाल सिंह की टोटल नेटवर्थ की, तो वर्तमान में उनकी टोटल नेटवर्थ 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 9 हमारी इसी लिस्ट में, नंबर 9 पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल LNM कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, जो उत्पादन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात और खनन कंपनी है। अब बात करें दोस्तों लक्ष्मी मित्तल की वर्तमान नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान नेटवर्थ 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 8 हमारी इसी लिस्ट में, नंबर 8 पर है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी एक व्यापार जगत के दिग्गज हैं, जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के संस्थापक हैं। राधा किशन दमानी के पास तंबाकू फर्म VST इंडस्ट्रीज से लेकर सीमेंट उत्पादक की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। और बात करें राधा किशन दमानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो इनकी टोटल नेटवर्थ 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 7 हमारी इसी कड़ी में, नंबर 7 पर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार बिरला 65 बिलियन डॉलर वाले आदित्य बिरला समूह के प्रमुख हैं। आदित्य बिरला समूह सीमेंट, कपड़ा और एल्यूमिनियम से लेकर दूर संचार और वित्तीय सेवाओं में रुचि रखता है। वही दोस्तों इस ग्रुप ने हाल ही में ब्रांडेड आभूषण और आतिथ्य जैसे नए क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है। 2004 में कुमार बिरला ने L&T सीमेंट में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, जिसे बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट नाम दिया गया। इसके बाद 2018 में कुमार बिरला ने आइडिया सेल्यूलर का वोडाफोन इंडिया में विलय किया, जो आगे चलते 2021 में कर्ज में डूब गई, जिसके चलते कुमार बिरला ने अपनी इस टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आज के समय में कुमार बिरला की टोटल नेटवर्थ 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 6 हमारी इसी लिस्ट में, नंबर 6 पर है दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी है, जो गुजराती जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। बात करें दोस्तों दिलीप सांघवी की शुरुआत की, तो उनके पिता कोलकाता में मुख्य रूप से जेनेरिक दवाइयों की थोक डीलरशिप किया करते थे, और इस व्यवसाय के दौरान दिलीप सांघवी ने भी शुरुआत में अपने पिता के इस कारोबार में अपना हाथ बटाया। लेकिन इस काम के दौरान ही दिलीप सांघवी ने दूसरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने की बजाय खुद द्वारा दवाइयां बनाने की सोची। और हां आगे चलते 1982 में 27 वर्षीय दिलीप सांघवी 10,000 रुपए की पूंजी के साथ अपनी पहली विनिर्माण इकाई खोल कर रहे। उन्होंने अपने इस विनिर्माण इकाई का नाम सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज रखा। बता दे कि ये इकाई
इकाई उनके मूल राज्य गुजरात के वापी में स्थित है। सन 2007 में दिलीप सांघवी ने इसराइल की टैरो फार्मा का भी अधिग्रहण किया और आगे चलते मार्च 2015 में उनकी ये विनिर्माण इकाई सन फार्मास्यूटिकल्स भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी दवा कंपनी बन गई। और आज के समय में दिलीप सांघवी की टोटल नेटवर्क 20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 5, हमारी इसी कड़ी में नंबर 5 पर है डॉक्टर साइरस सोली पुनावाला। डॉक्टर साइरस पुनावाला एक भारतीय पारसी व्यवसायी है जिन्हें भारत के टिक्का सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पुनावाला ग्रुप के अध्यक्ष है जिस ग्रुप में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय बायोटेक कंपनी है जो बाल चिकित्सा टिक्के बनाती है। बता दें कि ये इंस्टीट्यूट 170 से भी कहीं अधिक देशों में टिक्के का निर्यात करता है और दुनिया के हर दूसरे बच्चे को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टिक्का लगाया जा चुका है। इस सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के रूप में काम करने वाले डॉक्टर साइरस पुनावाला के शिक्षित बेटे अदार के नेतृत्व में कोविड-19 के टिक्के बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया गया जिसमें $800 मिलियन का निवेश किया गया और इसी के चलते भारत सरकार द्वारा 2022 में कोविड-19 के दौरान टिक्कों के उत्पादन में योगदान के कारण साइरस पुनावाला को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब बात करें दोस्तों इनकी नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान नेटवर्थ 22.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 4, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 4 पर है सावित्री देवी जिंदल। सावित्री देवी जिंदल एक भारतीय व्यवसायी और राजनीतिज्ञ हैं जो ओपी जिंदल ग्रुप की संस्थापक हैं। दोस्तों, इस ओपी जिंदल ग्रुप की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश जिंदल थे जिनकी 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ओम प्रकाश जिंदल की मौत होने के बाद ओपी जिंदल ग्रुप की संस्थापक उनकी विधवा पत्नी सावित्री देवी जिंदल को बनाया गया। बता दें कि ये ओपी जिंदल ग्रुप स्टील, बिजली, सीमेंट और बुनियादी ढांचे के लिए काम करता है। दोस्तों, सावित्री देवी जिंदल एक महिला राजनीतिज्ञ भी हैं जिन्होंने हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि और इतिहास के साथ हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और 2010 तक बिजली मंत्री का भी पद संभाला। अब बात करें दोस्तों इनकी टोटल नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान टोटल नेटवर्थ 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 3, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है शिव नादर। शिव नादर भारत के प्रमुख उद्यमी एवं समाज सेवी है। शिव नादर ने 1976 में अपने 5 दोस्तों के साथ एक छोटे से गैरेज में कैलकुलेटर और शॉकिंग यार नंबर 2 और 1 बचा है, बंदे 3 बचे हैं। बिल्कुल है, ऐसे ही बंदे 3 बच गए ऐसे ही, लेकिन थर्ड पे ये नंबर 2 और 1 पे कौन है? नहीं तो बंदे 3 है ना, बंदे 3 है। तो क्या रतन टाटा सर जो है वो इतने, लेकिन उनका अंपायर आई थिंक बहुत बड़ा है, लेकिन शायद वो नेटवर्थ में पीछे होंगे है ना, क्योंकि वो अपना दान बहुत करते हैं। तो नंबर 1-2 में जो रेस होगी वो अंबानी एंड अडानी, इन दोनों के बीच होगी। माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए HCL एंटरप्राइजेस की स्थापना की थी। आज उनकी ये HCL टेक्नोलॉजी भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाताओं में नंबर 1 पर अपना नाम बनाते हुए दुनिया भर के 60 देशों में 2,25,000 से भी कहीं अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। और अब बात करें दोस्तों इनकी टोटल नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान टोटल नेटवर्थ 33.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 2, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 2 पर है गौतम अडानी। गौतम अडानी भारत में बंदरगाहों के संचालन और विकास में शामिल एक बहुराष्ट्रीय समूह अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अडानी समूह जो 1988 में एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में शुरू हुआ था, अधिग्रहण के माध्यम से और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से इस ग्रुप को काफी विस्तारित किया गया। लेकिन आगे चलते जनवरी 2023 में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी और उनकी कंपनियों पर वित्तीय धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाकर उनके नेटवर्थ लेवल को काफी नीचे गिरा दिया है। हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में रुचि रखने वाले गौतम अडानी ने 2022 में अंबुजा सीमेंट्स और उनकी सहायक कंपनी ACC को 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कहीं अधिक से अपने अधीन किया था। बात करें दोस्तों गौतम अडानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो उनकी वर्तमान नेटवर्थ 74.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 1, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं जो पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, दूर संचार, खुदरा, वित्तीय सेवाओं में रुचि रखते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना उनके दिवंगत पिता धीरूभाई अंबानी जो एक धागा व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने 1966 में एक छोटे कपड़ा निर्माता के रूप में की थी। 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने पारिवारिक साम्राज्य को विभाजित कर दिया। रिलायंस की टेलीकॉम सेवा जियो के करीब वर्तमान में 45 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिसमें उनका बेटा आकाश जियो का प्रमुख है, बेटी ईशा खुदरा और वित्तीय सेवाओं की देखरेख करती है और साथ ही छोटा बेटा अनंत एनर्जी बिजनेस में शामिल है। बात करें दोस्तों
मुकेश अंबानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो उनकी वर्तमान नेटवर्थ 97.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो फ्रेंड्स ये थे भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति। आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव क्योंकि 8 बंदों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हम रतन टाटा सर को वैसे इंक्लूड कर रहे थे कि टॉप 10 रिचेस्ट में थर्ड पे शायद वो, लेकिन इधर तो गेम ही कुछ और है। अच्छा तकरीबन ना ये 3 हफ्ते पहले का वीडियो है, लेकिन मैं कुछ सोर्सेज या न्यूज कुछ वीडियो क्लिप्स मेरे पास आ रहे थे जिसमें ये बोला जा रहा था कि अडानी जो है वो क्रॉस कर गया है, कर गया था। मुकेश अंबानी ने फिर दोबारा कर दिया है, मुकेश अंबानी ने फिर दोबारा कर दिया था। नहीं इधर अभी इनकी जो नेटवर्थ इन्होंने बताई है मुकेश अंबानी जी की, नंबर 1 पे है ना मुकेश अंबानी जी, 1 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के इनकी थी व्यापारी हुआ करते थे, एक छोटे कपड़ा निर्माता के रूप में की थी 2002 में। अब दो फ्रेंड्स ये थे 97 और उनकी अडानी 74 मतलब ये कह रहा हूँ कि काफी डिफरेंस है अभी बिल्कुल। और लेकिन ये है कि दोनों भाई दोनों क्या 10 इसके अलावा ये सभी जो है, लेकिन मुकाबला जो है ना बाकी जो थे वो 20, 30, 15 इधर मतलब है ना बिल्कुल 20 से मतलब 30 से नीचे थे। एक था 33 पर। हाँ, बाकी ये काफी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये जो अडानी एंड अंबानी है ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है ना बाकी से, बहुत ज्यादा अमीर है। तो इस वजह से अभी तक अंबानी जो है वो जी नंबर 1 पर है सबसे ज्यादा रिचेस्ट। बल्कि अगर हम एशिया की बात करें तो उनका नाम आता है भाई एशिया के अमीर तरीन आदमी है ना, सिर्फ नॉट ओनली इंडियन इंडिया बल्कि एशिया के। और बाकी ये है कि ये भी हमने सुन रखा है कि अगर रतन टाटा सर जो है वो इतना दान ना करते तो वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान होते, कि जितना बड़ा उनके पास बिजनेस एम्पायर है और जितना वो अर्न करते हैं, लेकिन उनका 70% से ज्यादा चैरिटी में चला जाता है। बिल्कुल, तो इस वजह से वो जो है। चले बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था गाइज, कैसा लगा आपको कमेंट बिलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।